गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नीलम बिष्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। तो ये देखिए अभी पीछे बिस्तर भी नहीं लगा रखा है, तो अभी मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, वहाँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आज नाश्ता करेंगे आप सब लोग। तो आज मैंने सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, नहीं तो बाद में लेट हो जाता और जीजू चले जाते हैं। तो जीजू कहते हैं आज ब्लॉग नहीं बनाया, कल की छुट्टी है। अच्छा कोई नहीं, कल फिर हम घूमने जाएंगे, है ना जी। हाँ बिल्कुल, 15 का थोड़ा है कल। हाँ तो जीजू के लिए भी बन रहे हैं पराठे, दीदी पराठे बना रही है। एक ही बनाया, एक माता जी ले गई हैं। हाँ एक बुआ ली, एक बुआ ने हाथ मार दिया पहले पराठे पे। पहले बासी रोटी मांग रही थी, फिर सादा पराठा ले गई। वही तो, और बुआ को सुबह सुबह भूख लग गई, अरे चाय और रोटी दोनों छुपा दिए पराठा कर। दिखा मेरी बुआ भूतिया बुआ है, रात को भूत बन के डराती रहती है। और यहाँ पे फूफा जी नारियल तोड़ रहे हैं, नारियल फोबड़ में काट रहे हैं। फूफा जी को नारियल के फोबड़ में पानी पिएंगे, नारियल की खोपड़ी में पानी पिएंगे दी। अभी तो मेरा आँख नहीं होशियार ही, आँख होशियार ही से उठो मुझे बाप। तो दोस्तों अभी पहले सुबह सुबह झाड़ू पोछा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपको थोड़ा बहुत काम करके। तो फिलहाल अभी हम मार रहे हैं झाड़ू, पहले झाड़ू लगाएंगे फिर उसके बाद पोछा देखते हैं पोछा कौन लगाता है। और ये दीदी ने बिस्तर लगा लिया है फिलहाल। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और नीलम बना रही है परांठे आलू के। मैं पहली बार खाऊंगी नीलम के हाथ के परांठे। बहुत गोल परांठे बन रहे हैं। परांठे गोल अच्छे नहीं लगते, टेढ़े मेढ़े ही लगते हैं अच्छे। हाँ वो परांठे ही नहीं जो टेढ़े मेढ़े ना हो। कैसा लग रहा है परांठे बनाते हुए? ज्यादा ही जोम रहा ना, दूर का है क्या मेरा ही? एकदम अच्छा लग रहा है। कितने परांठे बना लिए अभी तक? 8। किसने खा लिया? अभी तो पापा ने खाया। और कितनी उम्मीद है बनाने की? कभी 12-13 लग रहा है मुझे। 12-13 तो भी खाएगा संतू लाट। हाँ तो वही तो, ले तुम खा लो। अभी बहुत टाइम है काकू, अभी तो मैं 1 महीना हूँ, तब तक तो तेरी कई वीडियो बन जाएगी। काकू भागते हुए क्या बैंक बोलो क्या किराना लगी? क्यों ही खा लेना ना, मैं तो क्या ये सब जवान लगा दे रही है। हाँ तुम तो बहुत जवान लगो, तुम्हारा दूसरे व्याकरण पड़ा करान जी की है, करान जी की है पता देखा कल खेला था खूब अच्छा था। पता देखा मेरा कल ब्याह करे तो क्या है तेरे भाई में आने बूढ़े का 3 पिंसन थी वहाँ ब्याह को 3 पिंसन थी तो मैं तो कल करे थे कुछ नहीं हुआ। पिंसन ना बोला ना, चोर भी है नहीं। हाँ चोर भी है नहीं आजकल चोर। हाँ ये यहाँ पे बन रही है भैया के लिए चाय, काली चाय नींबू वाली, क्योंकि उनका गला खराब हो रखा तो इसलिए दूध दे डाला उसमें। तो ये चाय वो बना लिया का दस यार चाय यक जो भाई यक के चाय क्या हो चाय वक चाय। हाँ यक वक वक मैं आप पिछ नहीं योज है योज ही यू अरे वक। हाँ वक भेड़ देश। तो अभी मैं बना रही हूँ ये दीदी और फूफा जी के लिए चाय, कड़क चाय, अगर आपको भी पीनी है तो आप ही आ जाइए। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हमारा नाश्ता हो चुका है, सबने नाश्ता कर लिया। तो अभी बुआ बर्तन धो रही है और नाश्ता करके एक दो लोग यहाँ पे एक लेट रहता है। कहाँ है ये दोनों? एक भी लेट रहती है और भैया को जब भी कोई खाली दिखता है तो बस उन्हें काम कराने के लिए चाहिए कोई कुछ ना कुछ, कि कभी मेरा सिर दबा दे, कभी मेरा पैर दबा दे, कभी मेरा गला दबा दे। गला दबाना बाकी आप। तो दोस्तों अभी 2 बज रहे हैं और मैं और काकू नीचे से खाना खा के आ चुके हैं
और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इसे कब से कह रही थी कि छत पे चलते हैं, लेकिन अब बारिश हल्की हो गई है। और मैंने अभी दिन से नहाए भी नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही थी कि एलोवेरा लगाना है, तो खाया हूँ सुबह का नाश्ता करके, तो दीदी सो गई थी, तो उसकी वजह से मैं एलोवेरा नहीं लगा पाई। तो मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। और इसने बोला मैं चेंज करके आ रहा हूँ, इसने एक घंटा लगा दिया चेंज करने में, और तब तक बारिश भी हल्की हल्की हो गई। चल। तो दोस्तों अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाकी लोग सो गए हैं, और एक अभी उठा है, वो है बुआ। बुआ पीछे अभी बर्तन धो रही है। तो अब मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि अभी सोने का ही टाइम हो रखा है, और फिर उठेंगे हम सीधे 4-5 बजे। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6, और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है बारिश की वजह से। तो यहाँ अभी आसपास में लड़के छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो हम छत पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम कल झंडा लेके आए थे, तो हम ये छत में झंडा लगाने आए हैं। तो दोस्तों अब 15 अगस्त ही कल है, तो हम झंडा लेके आए थे, और आजकल सभी ने हर घर झंडा वाला सब झंडा लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो हम भी झंडा लेके आए थे, तो अभी हम भी थोड़ी देर में झंडा लगाएंगे, और गांव में फ्री झंडे मिले हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा झंडा, ये हम कल लेके आए थे, तो फूफा जी ने इस पर डंडा लगा दिया है, और अब हमें इसे सिर्फ एक सामने लगाना है, तो झंडा लगाएगी दीदी। हाँ, जय हिंद। लगाओ झंडा। लग गया, लग हाँ? तो अभी ये दीदी ने झंडा लगा दिया है। तो दोस्तों जब बारिश हुई थी तो मैंने कपड़े रख दिए थे, तो अभी बारिश तो बंद हो गई है, तो इसलिए दीदी ने कपड़े फिर से सुखाने के लिए रख दिए हैं। और अब तो दोस्तों अभी दीदी तो नीचे चली गई है, लेकिन मेरा नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे तो गर्मी हो रही है। तो आपको अभी कल परसों की बात बताती हूँ कि मैं कल परसों काकू को छोड़ने गई थी उसके स्कूल, तो आते टाइम उसके स्कूल में प्रेयर हो रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वहीं चली जाऊँ, और स्कूल की याद आ गई थी मेरे को उस टाइम पे। तो दोस्तों अभी मैं छत से नीचे आ गई हूँ, और दीदी तो मेरे से पहले ही आ गई थी, तो ये यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं विश्राम। तो अभी बुआ भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और फूफा जी नीचे बैठ रखे हैं, काकू ट्यूशन जा रखा है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।